हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मेरी वीडियोस में काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स कमेंट करते हैं कि मैडम आपकी काफ़ी सारी वीडियो जो हैं ब्लॉक रूम की या ओटी वाले एरिया की, उसमें हम जो देखते हैं तो इंस्ट्रूमेंट ही सारे ऐसे ही रहते हैं क्या मैडम, ये गंदे नहीं होते या खोते नहीं हैं? इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं मेरी वीडियोज़ पर। तो चलिएगा, आज मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ कि मैं इनको ऐसा क्यों रखती हूँ इस तरह से। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जब ओटी होती है एंड ओटी होने के बाद जो भी ओटी टेक्नीशियन होते हैं वो क्या करते हैं, इनको वॉश कर देते हैं। ओटी के तुरंत बाद ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सबको वॉश कर देते हैं जो यूज़ होते हैं। वॉश करने के बाद क्या है, इनको अलग अलग कॉटन की शीट पर रख देते हैं ताकि जो इनका पानी है, जो नमी है, वो सूख जाए, एंड फैन ऑन कर देते हैं। क्योंकि अगर इनमें नमी बनी रहेगी, पानी बना रहेगा, तो इसमें जंग आ जाएगी जिससे इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे भी ऐसा होता तो आप उनको तुरंत धुलने के बाद एक साथ मत रखिएगा, उनको कॉटन के कपड़े पे अलग अलग रख दीजिएगा ताकि अच्छे से वो सूख जाए, उनका जो पानी है वो सूख जाए और उनमें किसी भी प्रकार की नमी नहीं रहे। नमी रहेगी तो हमारे इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाएंगे। एंड एक दिन ऐसा करने के बाद तब आपको उनको सेट करके रखना है। तो इस तरह से आप देखना है कि ये बाउल जो हमारे पास तीन, हमने तीनों बाउल को इस तरह से उल्टा करके रख दिया है एंड यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट सारे जो यूजली हमारे यूज़ होते हैं सब रख दिए हैं एंड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सूख चुके थे पहले के, तो ये सारे मैंने यहाँ पे इसमें रख दिए हैं। तो इस तरह से अगर आप भी इंस्ट्रूमेंट क्लीन करते हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट को धो करके रखते हैं, तो उनको तुरंत पैक करके मत रखिएगा। कुछ टाइम तक उनको ऐसे सूखने दीजिएगा एंड फैन को ऑन कर दीजिएगा। सो गाइज, आपके क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।